हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैं 200 ग्राम मशरूम को अच्छे से 2 से 3 पानी धो ली हूँ और बड़े बड़े टुकड़ों में काट ले रही हूँ। यहाँ पे मैं एक मशरूम को 2 टुकड़ों में काट रही हूँ। अब मैं मशरूम को हल्का फ्राई कर ले रही हूँ। इसके लिए कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के गरम कर रही हूँ। मशरूम को डाल के हल्का फ्राई कर ले रही हूँ। इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मशरूम तैयार है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल के रख ले रही हूँ। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, साथ ही 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता जिसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ और उसको भी रही हूँ, थी 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। मिर्च और जीरा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको पका लेंगे। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर प्यूरी ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, साथ ही 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और पका ले रही हूँ। मसाले को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ने लगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ, जिससे कि मटर मशरूम का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। 4 से 5 मिनट तक मसालों को अच्छे से पकाने के बाद मसाला अब तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ मशरूम और साथ ही मैं 1 कप मटर ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि मटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक मटर और मशरूम को मसाले में अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मटर हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और मसाले सब्जी में आप अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मैं ढक के 2 से 3 मिनट तक पका ले रही हूँ। थोड़ा सा पानी कम हो जाने के बाद मैं सब्जी में 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। साथ ही इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मटर मशरूम के सब्जी जब भी आप बनाइए तो धनिया पत्ता ज़रूर डालिए, इसमें धनिया पत्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हमारा सब्जी बन के तैयार है, अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप रोटी, नान, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, मेरे बताए तरीके से ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।